أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأطهاره بأداد كل ملوم اللقاء استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه يا قيوم। नाज़रीन, आज का मेरे मौजू है मिर्गी एपिलेप्सी। इसमें दौरे पड़ते हैं, मरीज़ गशी के दौरे पड़ने से बेहोश हो जाता है, उसके अख्तियारी अज़लात जो पट्ठे होते हैं वो अकड़ जाते हैं, आँखों के डेले ऊपर चढ़ जाते हैं, गिरने से चोटें भी आती हैं। यह मर्ज़ मरूसी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते हैं, महीनों हफ्तों बाद भी दौरे पड़ते हैं और ये बहुत लंबे अरसे तक यह मर्ज़ रहता है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है, उसके इलाज से दौरों का टाइम बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और एक वक्त आता है कि वो दौरे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मेरी तवज्जो ज़्यादा रूहानी इलाज की तरफ होती है। रूहानी इलाज में इसका बहुत अच्छा इलाज है कि अज़ान पढ़ के मरीज़ के कान में, दाएँ कान में फूंक मार दी जाए, और फिर अकामत पढ़ के कद कामत इस्सला, तो कद कामत इस्सला, फिर बाएं कान में फूंक मार दी जाए मुकम्मल अकामत, अज़ान और अकामत ये पढ़ के, अज़ान दाएं कान में और अकामत बाएं कान में फूंक मार दी जाए, तो मरीज़ बहुत जल्द होश में आ जाता है। इसकी सारी तफसील स्क्रीन पे अभी आपके सामने आ जाती है, इंग्लिश में, उर्दू में, और अद्वियात, उनकी पोटेंसी, उनका ड्यूरेशन, उनके इस्तेमाल का तरीका और जो वजूहात हैं इसकी, वो भी अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाती है। हमेशा वीडियो बहुत छोटी बनाता हूँ ताकि लोग उकता ना जाएं, मेरे देखने वाले कायरीन, वो दिलचस्पी उनकी बरकरार रहे, और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि मेरे मरीज़ परेशान ना हो जाएं। तो मेरे कायरीन से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।